आज नीति आयोग के सदस्यों से, उनके अफसरों से लंबी वार्ता हुई। राज्य के लगभग सभी विभाग के संदर्भ में उन्होंने चर्चाएं की, बाकी चीजें आपकी तरफ से आपको उपलब्ध होगा, लेकिन मोटा मोटे तौर पर हमने जो बाकी अपनी बातें रखी है कि जिस राज्य से देश चलता है, जिस राज्य से भारत सरकार को सबसे अधिक आमदनी होती है, वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसके लिए कहीं ना कहीं संसाधनों की आवश्यकता है और संसाधन जुटाने को लेकर के सारी शक्तियां लगभग केंद्र सरकार के पास। हमने जो अधिकार है वो कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा अब तो केंद्र सरकार ही तय करता है, लेकिन फिर भी हम अपने हक की बात जरूर उनके समक्ष रखें। और जो कुछ केंद्र सरकार देती है उनमें भी राज्य सरकारों को विश्वास में ना लेकर के कार्य होता है तो इसका क्या बुरा परिणाम होता है। जैसे कोयला कंपनी के द्वारा हमारा लाखों करोड़ रुपए का बकाया वो हमें नहीं मिलता है, केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सभी को हम आवाज देंगे, लेकिन अभी भी हमारे 8.5 लाख लोगों का जिनका सर्वे करके रिपोर्ट दिया हुआ है वो भी आवंटन नहीं हो रहा, उसके हिस्से का जो हमें वित्त सहायता चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है, जिससे हम राज्य के गरीबों का आवास आवंटन नहीं कर पा रहे, आवास उपलब्ध नहीं करा पा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी गरीबों को अनाज देना सरकार का दायित्व है, और चूंकि झारखंड राज्य का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है, जहां गरीब मजदूर तबके के लोग ज्यादा वास करते हैं, राज्य सरकार ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड बनाकर जो बचे हुए गरीब हैं उनको अनाज देने का जो योजना बनाया है, और उस योजना के तहत जो FCI से हम अनाज लेना चाहते हैं, लेकिन FCI राज्य सरकारों को अनाज नहीं दे रही, हमें भी नहीं मिल रहा है। अब नतीजा हो रहा है कि हम खुले बाजार में महंगे दरों पर अनाज खरीद कर गरीबों को देना पड़ता है। हमारे साथ भी ये घटना घटी है, और हमें जानकारी मिली है कई और राज्यों में भी FCI अनाज नहीं दे रही, ये काफी चिंता का विषय है। उसके साथ साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार जिलों में अस्पताल खोलने का निर्णय लेती है और अस्पताल आधो अधूरे बनकर प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा लिया जाता है, उस समय तो कोई सवाल नहीं होता, लेकिन उद्घाटन के उपरांत सुदूरवर्ती क्षेत्र में जब मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना की जाती है या खोली जाती है, जितना आसान बिल्डिंग बनाना है, ठेका टेंडर देना आसान है, लेकिन उसका संचालन उतना ही कठिन होता है। इसीलिए हमने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य राज्य में स्वास्थ्य सुविधा मजबूत हो, इसके लिए
इस तरीके की योजनाओं को चयन करने के लिए सबसे पहले या राज्य सरकार को इसकी स्वायत्तता दी जाए कि अस्पताल कहाँ खुले कहाँ चलेगा, नहीं तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी फैकल्टीज जाने को तैयार नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपने खुद ही देखा है, 10 साल से अधिक हो चले राज्य को एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है और आज वो एम्स ओपीडी से ऊपर आगे नहीं चल पाया। तो कमोवेश यही स्थिति इन मेडिकल कॉलेजों की भी होगी। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताई हैं, बाकी चीजें आपको पीआरडी से या विधिवत रूप से उपलब्ध होगा। बहुत सारी चीजें हैं, गंगा रिवर बेसिन से संबंधित बातें भी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी लेकर बात है, हमारे जो महिला कल्याण से संबंधित बातें हैं, कई सारी बातें हैं। अब तो राज्य सरकार अपनी बातें अपनी पूरी बातें आज नीति आयोग के समक्ष रखी है और लिखित रूप से भी नीति आयोग के समक्ष उपलब्ध कराई है।